हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास फिफ्थ इंग्लिश एमपी बोर्ड लेसन थ्री है अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लाइन यहाँ पे आप देखेंगे इट वाज वेनसडे ओके वीक में सेवन डेज होते हैं और ये जो डे था ये जो दिन था ये वेनसडे यानी बुधवार का दिन था

The boys and girls were very much curious. Curious का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे तो जितने भी जो लड़के थे जो लड़कियां थी हेड स्टार्ट केंद्र जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे दीपक द फोर्थ बॉय इन सेकेंड रो वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन दूसरी पंक्ति में जो चौथा लड़का दीपक है वो कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहता था बट क्लास टीचर ने लेकिन क्लास टीचर ने उसे कहा अस नाउ मूव टू हेड स्टार्ट केंद्र तो चलो अभी अब हम हेड स्टार्ट केंद्र जाते हैं आई शैल एक्सप्लेन एवरी थिंग देयर तो जो भी कुछ पूछना है सभी चीजें मैं वहां पे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा समझाऊंगा यू ऑल मस्ट वॉक इन कुे कुए यानी एक कतार में चलना एक पंक्ति में चलना तो टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि तुम सभी को एक कतार में एक लाइन में चलना होगा दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र सभी जन शिक्षा केंद्र पहुँच गए दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर हैड मास्टर यानि प्रिंसिपल प्रिंसिपल के द्वारा सभी का स्वागत किया गया द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड हैंड्स विद द क्लास टीचर जो कंप्यूटर टीचर ने कक्षाध्यापक से हाथ मिलाया ही लेड ऑल द स्टूडेंट इन द सेंटर लेड यानी नेतृत्व करना तो जो टीचर हैं कंप्यूटर के सभी बच्चों का केंद्र पर नेतृत्व किया दे वर सीटेड इन अ कंप्यूटर रूम सभी को कंप्यूटर रूम में बिठाया गया इट वॉज़ अ क्लीन प्लेस जो प्लेस थी कंप्यूटर लैब जो थी बहुत ही साफ सुथरी स्वच्छ थी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन द कंप्यूटर टीचर बिगन तो कंप्यूटर टीचर ने शुरुआत किया गुड मॉर्निंग बच्चों ठीक है इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की एज़ यू ऑल नो जैसा कि आप सब जानते हैं दिस अपराइट बॉक्स एज सी पी यू तो कंप्यूटर टीचर ने सभी बच्चों को बताते हुए कहा कि जैसा आप सब जानते हैं कि जो अपराइट बॉक्स है जो खड़ा बॉक्स है इसे सी पी यू कहते हैं ऑल द चिल्ड्रेन शाउटेड सभी बच्चों ने चिल्ला कर बताया कि जी हाँ आप जानते हैं दे न्यू अवॉर्ड द अपराइट बॉक्स वॉस सभी बच्चे जानते थे कि वो क्या है द कम्प्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टू वर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट तो कंप्यूटर के टीचर ने स्माइल किया और एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा करते हुए बच्चों से फिर से पूछा कि क्या है द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड मॉनिटर तो बच्चों ने फिर से चिल्ला कर कहा कि ये मॉनिटर है दस वन आफ्टर द अदर दे गिव द नेम एस कीबोर्ड माउस लाउड स्पीकर यू पी एस तो इसी तरीके से एक के बाद एक बच्चों ने सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम बताते गए सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे आउट्स रिचा। रिचा ने कंप्यूटर टीचर से पूछा क्या हम लैंग्वेज गेम खेल सकते हैं प्ले कर सकते हैं तो यहाँ पे सर ने क्या जवाब दिया ऑफकोर्स सैट द टीचर टीचर ने कहा क्यों नहीं बिल्कुल आप कर सकते हो द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रेन इंटू थ्री ग्रुप्स कंप्यूटर टीचर और क्लास टीचर ने मिलकर बच्चों को तीन ग्रुप में बांट दिया ओके okay? तीन समूह में बांट दिया इस ग्रुप वॉज गिवेन अ कंप्यूटर सेट हर समूह को हर ग्रुप को कंप्यूटर सेट दिया गया एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क और साथ में कॉम्पैक्ट डिस्क दिया गया जिसका शॉर्ट फॉर्म है सी डी ऑफ देयर चॉइस उनकी पसंद से उनको कॉम्पैक्ट डिस्क दिया गया द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट जो पहला ग्रुप था उन्होंने क्या प्ले किया फास्ट फिंगर फर्स्ट ये गेम प्ले किया रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 59 सेकंड्स सेकेंड्स तो रिचा ने सारे अल्फाबेट्स से 59 सेकंड सेकेंड में ढूंढ लिए नीलम प्लेड हिट द बिगनर्स सी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विथ एम इन 15 सेकेंड तो नीलम ने क्या प्ले किया था हिट द बिगनर्स गेम का नाम है और उसने एम से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स को पंद्रह सेकेंड में ढूंढ डाला असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर दे ऑल इंजॉयड इट और असलम ने प्ले किया था हिट द हाइडिंग लेटर जो हाइडिंग लेटर है उसको हिट करना था तो सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया द कंप्यूटर टीचर ओपेंड अ गेम नेम्ड राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु टाइप सम इंग्लिस वर्ड एंड चेक दैम यहाँ पर कम्प्यूटर टीचर ने एक गेम ओपन किया जिसका नाम था राइट एंड एवेल्युएट योर सेल्फ और फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन दूसरे जो ग्रुप के बच्चे थे उनके लिए हु टाइप सम इंग्लिस वर्ड एंड चेक दैम तो उन्होंने कुछ इंग्लिस के वर्ड टाइप किया और उन्हें चेक किया द थर्ड ग्रुप प्लेड वैकुलरी गेम्स थर्ड ग्रुप के जो बच्चे थे तीसरा समूह जो था उन्होंने वैकुलरी गेम आ, प्ले किया दे ऑल प्लेड द गेम सभी ने वो उस गेम को खेला वन बाय वन एक एक करके बोथ द टीचर गाइडेड देम दोनों टीचरों ने उन्हें जहां उनको समझ में नहीं आ रहा था गाइड किया उन्हें बताया समझाया थ्रू द लेसन लेसन के द्वारा इन द एंड द क्लास टीचर आर्स लास्ट में क्लास टीचर ने पूछा सो वॉट हैव यू लर्न टू तो आज आपने क्या सीखा सर इट्स ए वंडरफुल आई हैव लर्न एट लीस्ट ट्वेंटी फाइव वर्ड्स टूडे आई वुड हैव लर्न देम इन वन मंथ सेट असलम असलम ने कहा कि सर ये बहुत ही आश्चर्यजनक है आज मैंने कम से कम पच्चीस शब्द सीखे जो कि मैं एक महीने में सीखता हूँ द अदर स्टूडेंट एग्री विथ थिम जो अन्य विद्यार्थी थे वो असलम की बातों से सहमत हुए

तो टीचर ने सबको एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए बताया कि इस तरीके के जो लेसन होते हैं जिसमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है जिसमें आवाज होती है ठीक है चित्र होते हैं जिसके जरिए बच्चे उस पर काम कर सकते हैं और आंसर को ढूंढ सकते हैं वन कैन प्रैक्टिस एज पर वन चॉइस एंड स्पीड कोई भी अपने पसंद और स्पीड के अनुसार इससे प्रैक्टिस कर सकता है नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प निंग एंड टीचिंग तो अब आप ये सब जानते हैं कि किस तरीके से जो कंप्यूटर हमें पढ़ने और समझने में मदद करता है रिचा रिचा ने पूछा क्या सर इंग्लिश जितना आसान होता है पढ़ना और समझना क्या उसी तरीके से गणित भी इजी होगा तो सर ने कहा यस द लेसन में भी इक्वली इंटरेस्टिंग जो लेसन होगा वो एक समान ही होगा समझने में टीचर ने कहा द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट सभी बच्चों ने कंप्यूटर टीचर को धन्यवाद किया और वहां से निकले फॉर देयर स्कूल द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर के साथ अपने स्कूल के लिए निकले द चिल्ड्रेन डिस्कस देयर एक्सपेंसेस ऑल द वे टू स्कूल बच्चों ने अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा किया स्कूल जाते हुए रास्ते में द जॉय एंड satisfaction ऑफ विजिटिंग द सेंटर कैन बी सीन ऑन their फेसेस केंद्र आने की खुशी और संतुष्टि उनके चेहरे पे देखी जा सकती थी तो बच्चों यहाँ पे लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ